हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हाल ही में अभी YouTube ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसको मैंने अभी अटेंड किया था। तो जो लोग खासतौर पे YouTube के नए क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों ने अभी अभी अपने चैनल पे वीडियोस पब्लिश करना स्टार्ट किया है और वो लोग सोच रहे हैं कि इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए कैंप कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कैंप अटेंड नहीं करा है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस कैंप में क्या हुआ था, ताकि आप लोगों को शायद ये समझने में हेल्प मिले कि आपको इस तरह के कैंप अटेंड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों, ये जो कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, YouTube फैनफेस्ट क्रिएटर्स कैंप, जो कि हुआ था 16 मार्च 2018 को दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित एक एरोस होटल है, इट्स अ 5-स्टार होटल, वहां पर YouTube ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। तो इस इवेंट में क्या क्या हुआ था ये पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी कि आपको इस तरह के कैंप अटेंड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस कैंप में जाने के लिए पहले तो YouTube ने कई सारे क्रिएटर्स को इनवाइट मेल भेजा था। ये जो ईमेल उन्होंने भेजा था, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना था जिसका लिंक उन्होंने अपने ईमेल में दिया था। अब आपने अगर वो फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से एक और मेल आता है जिसमें वो एक्सेप्टेंस, एक तरह से उन लोगों ने आपको ऑन द रिकॉर्ड ले लिया है और अब आपको बता रहे हैं कि यस, योर इन्विटेशन इज सिक्योर, अब आप आ सकते हैं। यानी फाइनल इनविटेशन के लिए वो एक ईमेल भेजते हैं। यानी आपने फॉर्म भर दिया तो ये जरूरी नहीं कि आपको ईमेल आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केस में आ ही जाता है, क्योंकि उन लोगों ने जो जगह इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज करी थी उसमें कुछ लिमिटेड जगह होगी, तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि सभी लोग उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि अगर ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन आएगी तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके लिमिटेड लोगों को ही बुलाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि उस इवेंट के अंदर जो हॉल था उसमें कैपेसिटी जितनी थी उसके हिसाब से लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिएटर्स को ही एंटरटेन करना पॉसिबल था। तो एक तो ये बात हो गई। तो आपको अगर इनवाइट आया है तो आप इस तरह के कैंप में जा सकते हैं, अगर आपको इनवाइट नहीं आया तो आप इस तरह के कैंप में नहीं जा सकते, क्योंकि बिना इनविटेशन के अलाउड नहीं था। तो ये जो पूरा कैंप हुआ था ये 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, यानी 16 मार्च को दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मैं फ्री हुआ था करीब रात को 8:30 बजे तक। हालांकि उन्होंने जो टाइमलाइन दिया था वो 7 बजे तक का था, लेकिन ठीक है, इवेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो खिंचते खिंचते 1-1.5 घंटा ऊपर ले लेती हैं, पर एग्जैक्टली ये 2 बजे स्टार्ट हो गया था। और पहले तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस पूरे कैंप में एजेंडा क्या था, यानी क्या क्या हो रहा था। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो इनका एजेंडा था वो था केवल रजिस्ट्रेशन का, जिसमें जितने भी YouTube क्रिएटर्स को इनवाइट भेजा था, जो लोग वहाँ आए थे वो लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना था। इससे एक तरह की फिल्टरिंग होगी कि कहीं बिना इन्वाइट के तो कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको अलाउड नहीं था। एक चैनल पे जिसको इनवाइट भेजा है बस वही आ सकता, उस चैनल से दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता था। जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो एक गुडीज बैग भी उन्होंने दिया था, आई कैन शो यू दैट बैग। ये बैग उन्होंने दिया था YouTube वालों ने, और इस बैग में बेसिकली था क्या, एक पेन था, अच्छी क्वालिटी का पेन था, और एक ये डायरी उन्होंने दी थी। ये डायरी उन्होंने दी है, बहुत अच्छी खूबसूरत सी डायरी है, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि प्ले बटन बनी हुई है YouTube की। इसके अलावा एक स्टीकर दिया हुआ था इन्होंने और पेन दिया हुआ था इस तरीके, और ये बैग है, ठीक है, ये चीज उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने साथ में एक जो आपका आई कार्ड बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ये उन्होंने दिया था जिसको आप गले में लटका के घूम सकते हो वहां पर। और ये फैन फेस्ट में इसमें पूरा एजेंडा लिखा हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ। ये जो एजेंडा था इसमें पहले मैंने बताया 2 से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन था, 3 बजे से स्टार्ट हुआ वेलकम एंड कीनोट, यानी कि उन लोगों का एक्चुअल इवेंट स्टार्ट हुआ। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें करीब 300 के लगभग क्रिएटर्स बैठे हुए थे और स्टेज पे YouTube के एम्प्लॉयज इस पूरे को हैंडल कर रहे थे। तो उन्होंने वन बाय वन कुछ कुछ एक्टिविटीज करते गए। सबसे पहली एक्टिविटी जो उनकी हुई थी वो थी वेलकम एंड कीनोट। तो जो YouTube के एम्प्लॉयज थे उन्होंने ही इंट्रोडक्शन, कुछ बातें कहीं YouTube के बारे में, क्रिएटर्स के बारे में। तो एक बात मुझे जानने को मिली जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए, कि लास्ट ईयर तक
1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले क्रिएटर्स केवल 12 थे, लेकिन इस साल तक यानी जितने क्रिएटर्स हैं इंडिया में, केवल इंडिया की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, 100 से ज्यादा ऐसे क्रिएटर्स हो गए हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है पिछले 1-2 सालों में। तो कई सारे क्रिएटर्स इसमें रोज नए जुड़ जाते हैं और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं। तो ये एक चीज थी। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पैनल्स बनाए, यानी कुछ जो टॉप क्रिएटर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आप कह सकते हैं कि यूट्यूब में स्टार्स हैं, उन लोगों को 4-4, 5-5 के ग्रुप में स्टेज पे बुलाया, उन लोगों के साथ एक तरह का टॉक शो हुआ, यूट्यूब का एक एम्प्लॉय उन लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, उन लोगों से कुछ बातें पूछ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उनके रियल एक्सपीरियंसेस, उनके चैनल के बारे में, उन लोगों ने कैसे मेहनत करी, कैसे उनको सक्सेस मिली और क्या मंत्रा होते हैं जिससे कि सक्सेस मिल सकती है, वो लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे। तो ऐसे 3-4 पैनल्स थे, अलग अलग लोग आए थे और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो आप लोग सुनते हैं YouTube पे, जिनके वीडियोज़ आप बहुत पसंद करते हैं, वो लोग वहाँ पे आए थे, जिसमें भुवन बाम का नाम तो आप लोग सब जानते हैं, बीबी की वाइंस, वो वहाँ पर आए थे। इसके अलावा गौरव चौधरी आए थे जो कि टेक्निकल गुरुजी के नाम से भी फेमस हैं, उनके 2 चैनल्स चलते हैं लेकिन टेक्निकल गुरुजी वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कैरी मिनाती के बारे में भी आप जानते हैं, वो भी आए थे, सेजल आई थी वहाँ पे, प्राजक्ता आई थी। तो ये ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे जो बहुत ही हिट हैं और कई तरह के अलग अलग जॉनर के वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये सब इस पूरे इवेंट पे आए थे। उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक दिया जिसमें टी स्नैक्स वगैरह आप लेते हो। इसके बाद फिर उन्होंने अपना सेशन कंटिन्यू रखा। इस सेशन में कुछ मोटिवेशनल बातें भी करी उन्होंने। जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि यूट्यूब वाले ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने प्लेटफॉर्म को, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें क्रिएटर्स को कि आप लोग मेहनत करिए और वीडियो कॉन्टेंट बनाइए और अच्छा काम करिए, आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। और ये जो पैनल्स में यूट्यूब स्टार्स को बुलाने का मकसद होता है वो यही होता है कि आप इनको देखकर मोटिवेट हो जाएं, और वाकई में इस चीज़ का फर्क पड़ता है। यदि आप नए यूट्यूबर हैं और आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप इस तरह के कैंप में ज़रूर आइए, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके जो स्टार्स हैं, आपके जो हीरो हैं, वो यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं, लोग उनके लिए चीयर अप कर रहे हैं, एक फैन फॉलोइंग है, तो एक सपना आपका भी बनता है कि हमको भी ये सब अचीव करना है। तो ये अपने आप में पूरा जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। हम लोग जब पहुंचे थे, मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया था, करीब 12 बजे मैं होटल पहुंच गया था, और मेरे साथ कई सारे और भी लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था, वहीं पर पहली बार मिला। तो सब लोग, हम लोग वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि 12 बजे से 2 बजे तक ये जितने यूट्यूब के सबसे बड़े स्टार्स हैं, इन लोगों के लिए एक मीडिया टीम ऑर्गेनाइज करी गई थी, मीडिया कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे अब एग्जैक्टली तो हमें नहीं मालूम कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था, लेकिन शायद मीडिया के साथ इंटरेक्शन था इन लोगों का, तो कुछ वीडियो शूट इन लोगों के हुए थे। तो 12 बजे से 2 बजे तक एक्सक्लूसिवली जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा वाले लोग थे उन लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया था। फिर हम लोगों ने 12 बजे से 2 बजे जस्ट हमने बाहर ही टाइम स्पेंड किया। 2 बजे जब हम लोगों की एंट्री हुई, उसके बाद हम लोगों का ये पूरा एजेंडा स्टार्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल करना था, जब मैंने फॉर्म फिल करा था, इनविटेशन जब आया था, तो उन्होंने कुछ 3 चॉइसेस बोली थी। 3 चॉइसेस थी कि आप 3 में से कोई एक एक्टिविटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि एक तो ब्रांड ब्रेकआउट आप ले सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन वर्कशॉप ले सकते हैं, या सपोर्ट वर्कशॉप ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जिसमें से आपको एक एक्टिविटी को चुनना था। तो मैंने ब्रांड ब्रेकआउट को सेलेक्ट करा था, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आपको मैं आगे किसी वीडियो में ये बताऊंगा कि यूट्यूब में जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। कई लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि आप यूट्यूब में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसी से पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे और भी तरीके हैं, जिसमें से ब्रांड ब्रेकआउट जो इन्होंने सेशन रखा था उसमें यही बताया गया कि आप स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं, ब्रांड्स के साथ आप स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं, और उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। ये अर्निंग आपकी यूट्यूब एड रेवेन्यू से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी एडसेंस के थ्रू जो आपकी कमाई होती है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो कमाने के और भी तरीके, ताकि YouTube क्रिएटर्स और ज़्यादा सीरियसली इसको लें। वहाँ पे मैं देख रहा था बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स थे, और जब माहौल देखा तो सभी लोग अपने अपने वीडियो शूट करने में लगे हुए थे। तो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व करी जो वहाँ पर हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है YouTube क्रिएटर्स को। सबसे पहली बात तो ये थी कि 300 से ज़्यादा क्रिएटर्स आपको मिले, आप लोगों को उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं,
आपको पता चलता है जिस तरह के वीडियोस आप बना रहे हैं उसी जॉनर के और भी वीडियोस कौन कौन बना रहा है, उन लोगों से मिलते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स आपको पता चलते हैं, आप लोग साथ में एक कोलैब कर लेते हैं, छोटा सा क्विक कोलैब कर लेते हैं, वहीं पर आप एक दूसरे से बात कर लेते हैं, नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, ईमेल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, फ्यूचर कुछ प्लान कर सकते हैं आप लोग, तो एक तो ये हमको बेनिफिट मिलता है और लोगों के व्यू पॉइंट्स जानने का मौका मिलता है। साथ में इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा फायदा था मोटिवेशन, जो आपको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है कि आप भी आगे बढ़ो और कुछ बड़ा अचीव करो। इसमें अगर मैं प्राजक्ता की बात करूं तो कुछ 3-4 महीने पहले की बात करें तो उनके पास 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे और अभी 1 मिलियन को क्रॉस कर गए, तो ये बहुत कम टाइम में उन्होंने अचीव करा है। तो उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि कैसे ये सब हो जाता है। तो अगर आप इस तरह के कैंप में आते हैं तो आपको इन लोगों के इस जर्नी के बारे में जानने को मौका मिलता है, तो आपके जो कई सारे मिथ होते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, कैसे वीडियोस ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं, कैसे कुछ लोगों के एकदम से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, एकदम से पॉपुलर हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आपको बात करने का मौका मिलता है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो खासतौर पर ये पूरी चीज़ें डील करते हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उन लोगों से आप पर्सनली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जो कि आप अदरवाइज शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि आप अगर लकी रहें तो आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बना पाएँ, आप फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लें या ईमेल्स एक्सचेंज कर लें, हालाँकि वो फ़ोन नंबर एक्सचेंज करना तो एनकरेज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ये आपके लिए और आपके चैनल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। इसके अलावा जो ब्रांड ब्रेकआउट हुआ वो सेशन मैंने अटेंड किया, जहाँ पर जैस्पर डोनट ने ये पूरा सेशन लिया था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, कैसे हम बात करें, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे स्पॉन्सर्स को अप्रोच करें या उनको हैंडल करें, कैसे डील करें, वो पूरी जानकारी उन्होंने दी। और ये बहुत लोगों के बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि जैसे आप टेक्निकल चैनल अगर बना रहे हैं तो उसमें आप एडवर्टीजमेंट्स स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना सकते हैं और उससे भी आपको कमाई हो सकती है, या और भी कई जॉनर में इस तरीके का हो सकता है। इनफैक्ट यूट्यूब वालों ने कोका कोला के साथ चांस भी दिया कि अगर आप चाहें कोका कोला वालों से कम्युनिकेट करें और अगर आप कुछ उनसे स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक बड़ी ब्रांड के साथ एसोसिएट होने की अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी, हालांकि उस अपॉर्चुनिटी को मैंने तो एंटरटेन नहीं करा, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे एथिक्स बिलीव नहीं करते उस चीज़ के लिए, लेकिन दैट्स अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। पर बहुत सारे लोग करेंगे और इससे भी कमा सकते हैं, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। इसके अलावा इस पूरे सेशन में जो टेक्निकल सपोर्ट वर्कशॉप हुई, क्योंकि मैंने वो पोर्शन अटेंड नहीं किया था क्योंकि 3 में से कुछ एक ही करना था, तो जो टेक्निकल सपोर्ट वाला पोर्शन था वहाँ पर भी कैसे आप YouTube सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में कुछ वर्कशॉप रही होगी, या इसके अलावा प्रोडक्शन वर्कशॉप यानी आप कैसे अपने वीडियोस बनाएं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी, और प्रॉपर ये एक गाइडेंस प्रोग्राम था, टीचिंग थी कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो ये एक नए यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत ही काम का हो सकता है। इसके अलावा फिर डिनर भी उन्हीं लोगों ने करवाया वहाँ पे, लास्ट में डिनर पे ये पूरी चीज़ें एंड हुई थी। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे सेशन से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने क्या सीखा। सबसे पहली चीज़, मोटिवेशन मुझे मिला, नो डाउट मुझे और काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, मुझे समझ में आया। दूसरे लोगों के मेहनत के बारे में भी समझ में आया, यानी हम लोग सोचते हैं कि अरे ये फालतू का वीडियो है, ये वीडियो तो कुछ भी बस इन्होंने शूट कर दिया, यार बॉस ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो एक रिस्पेक्ट आपको जागेगी उन सभी यूट्यूबर्स के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। तो हमें भले ही ऐसा लग सकता है कि यार ये तो ऐसी कुछ तो भी वीडियो बना के इस बंदे ने डाल दिया, बट बहुत पेनफुल जॉब है, इतना आसान नहीं है। आप इंजॉय ज़रूर करोगे इस जॉब को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यूं ही हो जाता है, सब चीज़ के पीछे बहुत मेहनत रहती है। तो इसमें मैंने ये भी देखा कि एक जो मेरे से गलती हुई वो गलती ये थी, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो या तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करता हूँ या फिर जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कैनन XA11, और इस कैमरे की कॉस्ट भी ज़्यादा है, और ये कोई ऐसे नहीं है कि आप ये, क्योंकि DSLR नहीं है, ये प्रॉपर सिनेमेटिक कैमरा है, तो इस कैमरे से आप खुद की शूटिंग नहीं कर सकते 100, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि इसको नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको नहीं लेके गया, दैट इज़ गुड। लेकिन वहाँ पर सभी लोग कैमरा लेकर आए थे, और ख़ास तौर पर ज़्यादातर लोग जो चैनल पर काम करते हैं वो व्लॉगिंग करते हैं, तो उनके व्लॉगिंग के कैमरे अलग आते हैं,
तो उन कैमरे से वो लोग शूट करते हैं, तो जस्ट वो स्टिक लेके और बस कैमरे से कैमरे के सामने आ जाते हैं और शूट कर देते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई कैमरा था ही नहीं, तो मैं लेकर नहीं गया। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़्यादा शूट करना चाहिए था और ज़्यादा मैं शूट कर सकता था, तो वो चीज़ मैं मिस कर गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी कैंप में जाऊँगा तो आप भी ध्यान रखिए, आप कैमरा ज़रूर लेकर जाइएगा, एक अच्छा कैमरा जिससे कि आप शूट कर सकें पूरे इवेंट को। दूसरी चीज़ ये कि मैंने वहाँ पे लाइव सेशन लिया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ नेटवर्क उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो जो लाइव सेशन हुआ आप देख सकते हैं वो वीडियो बना हुआ है, उसमें वीडियो में वॉइस तो क्लियर आ रही है लेकिन पिक्चर थोड़ी ब्लर हो रही थी। तो वो लाइव था तो मुझे बाद में पता चला कि ये वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर दैट, और जो वॉइस थी वो बिल्कुल क्लियर हो रही थी उसमें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे ऐसा लगा कि आपको इस तरह के इवेंट्स कभी मिस नहीं करने चाहिए, आपको इस तरह के इवेंट्स को ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पर आप बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि जिसके साथ मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता क्योंकि मेरा एजुकेशन जॉनर है और एजुकेशन जॉनर में अभी भी बहुत बड़े नाम नहीं हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आपको टेक चैनल वाले लोग मिलेंगे, कॉमेडी वाले मिलेंगे, एंटरटेनमेंट वाले मिलेंगे, सिंगर मिलेंगे, डांसर्स मिलेंगे और अमेजिंग काम करते हैं वो लोग फील्ड में। आई रिस्पेक्ट, आई वैल्यू देयर कॉन्टेंट, बट आई एम नॉट फैन बिकॉज वो मेरा जॉनर नहीं है तो मुझे अपील नहीं करता। लेकिन जो मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करिए और मुझे उस मुकाम पर पहुँचाइए ताकि मैं जब अपने सपने को पूरा कर सकूँ, और शायद है कि ऐसा सब करके मैं बहुत सारा कंटेंट और आपको प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आपको और ज़्यादा अच्छा काम करना है। तो आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी कुछ तो काम देगी। अगर आप लोग नए यूट्यूबर्स हैं तो आपको कम से कम एक बार तो इस तरह का कैंप ज़रूर अटेंड करना चाहिए। कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक यू।